Mehul and I were exploring ideas. I remember, we happened to meet a friend of ours, an acquaintance of ours, uski car dealership thi. Okay. So he was creeping ki yaar mere dad mujhe meri car dealership pe bitha diya unhone aur mujhe apna kaam nahi karne de rahe aur wo keh rahe used car banao. To main kaha banao, problem kya hai? तो बोला यार प्रॉब्लम कुछ नहीं है, गाड़ियाँ ही नहीं आती हैं. बोला यार डीलरशिप पे गाड़ियाँ ही नहीं आती हैं तो मैं ये बनाऊँ कैसे, मैं गाड़ियाँ बेच सकता हूँ बट गाड़ियाँ आती नहीं है. सो आई स्टार्टेड आस्किंग कि भाई गाड़ियाँ क्यों नहीं आती हैं एक्सेट्रा. सो कोई आंसर नहीं था, गाड़ी मिलना बहुत मुश्किल है बिकॉज सब कस्टमर से ही आती है. अब कस्टमर का मन है वो कहाँ बेच रहा है, वो कभी लोकल मैकेनिक को बेच देता है, कभी डीलर को बेच देता है, कभी अपने गार्ड को बोलता है, तो नहीं मिलती है गाड़ी. सो देन वी सेट ओके ही इज टॉकिंग अबाउट सप्लाई. जब मैंने मेहुल को और मेहुल को मैंने जब बताया तो मुझे ये चमका नहीं था. मैंने उसको जस्ट बताया कि यार मैं उससे मिला था, वो ऐसे वैसे बोला था इट साउंड लाइक अ सप्लाई प्रॉब्लम, इस पर थोड़ा सा काम करते हैं. तो हम एक डीलर से मिलने गए, हम गुड़गांव में ही रहते हैं तो हम गुड़गांव में एक डीलर से मिलने गए और उसने आके हमने पूछा कि सर आपकी सप्लाई प्रॉब्लम है. उसे कहा नहीं सप्लाई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी गाड़ियाँ बिकवा दो, देखो ये 10 गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप बिकवा दो, आपको कोई कस्टमर है तो बताओ. बैठे हुए 15-20 घंटे से बात कर रहे हैं, वेरी नाइस गाय, ऑफर्ड अस टी एक्सेट्रा. फिर ही गेट्स अ फोन कॉल एंड ही जस्ट लीव्स राइट देन एंड देयर, एकदम से उठाओ चला गया. एंड वो एक छोटू बैठा हुआ था, हमने मेहुल और मैंने उससे पूछा कि इसको क्या हुआ, एकदम से कहाँ चला गया, अभी तो वॉज टॉकिंग टू अस सो नाइसली एंड गिविंग अस ऑल डाउनलोड ऑन द इंडस्ट्री. बोला वो सर को कोई लीड आई होगी कार की, वो कार लेने गए, नहीं तो निकल जाएगी डील. सो दैट स्ट्रक अस, ही इज नॉट सेइंग दैट बट हिज एक्शंस were mirroring what my friend was also saying. यार सप्लाई इज द प्रॉब्लम. तो फिर हमको थोड़ी एक्साइटमेंट हुई, फिर हमने कहा यार इस पर थोड़ा और काम करते हैं. फिर हमने तब तक कुछ 5-10 डीलर से मिले थे, फिर हमने उनको थोड़े दिन का ब्रेक लेके हमने अपनी गाड़ियों की फोटो भेज दी. तो सब पीछे लग गए, सर कहाँ आके गाड़ी देखनी है, मैं अभी आ जाता हूँ. सो बैड एक्सपीरियंस बट वेरी एक्टिव, वेरी एक्टिवली चेजिंग experience. And I guess then by then we could connect the dots here. यही तो classifieds पे भी होता है, right? कि आप कुछ भी डालते हो तो बेचने के लिए तो पागलों की तरह आपको calls आने, आप कार डालो अपनी आपको पागलों की तरह calls आएंगे and you have no idea कौन call कर रहा है, right? So that led us to a conclusion कि यार ये problem तो है. But then we thought, अच्छा हम गाड़ी seller को तो गाड़ी बेचनी है, उसको तो पैसे चाहिए. ये हमको क्लियर हो गया था कि कोई हमारे पास गाड़ी नहीं छोड़ेगा कि गाड़ी छोड़ दी और बाद में पैसे बताए, ऐसे नहीं होता. पैसे दो, गाड़ी लेके जाओ, बाकी ज्ञान मत दो. दैट वाज लाइक वेरी क्लियर फीडबैक फ्रॉम कंज्यूमर्स, राइट. सो हम कहा यार हम गाड़ी लेंगे कैसे, ना हमारे पास पैसे हैं, राइट, इन्वेंट्री रखने के, और ना ही हमको गाड़ी की प्राइसिंग करनी आती है, राइट. तो हमने सोचा कि क्या हम ऐसा करेंगे, हम कस्टमर की गाड़ी को चेक करेंगे, कुछ फोटोज लेंगे, व्हाट्सएप पे डाल देंगे और कस्टमर से थोड़ा टाइम बाय करेंगे कि हम आपको थोड़ी देर में प्राइस कम्युनिकेट करते हैं. बिकॉज हमें कहा और कोई तरीका नहीं है, और अगर हमें प्राइस मिल गई तो फिर हम ले लेंगे, होपफुली उस प्राइस पे बिक जाएगी. सो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड एक एरिया गुड़गांव में है, अब तो काफ़ी डेवलप हो गया, 2015 में तो बिल्कुल ही खाली था. तो वहाँ पे गए क्योंकि वहाँ पे जो पेट्रोल पंप है ना, वहाँ पे कोई, हम एक दो मेन रोड के पेट्रोल पंप पे गए तो वहाँ पे उनका भैया जगह नहीं है, यहाँ पे तुम क्या करने हो, पैसे लगेंगे, उनका पैसे तो है नहीं. सो वी वेंट देयर, वहाँ पे द पेट्रोल पंप ठीक है, वैसे कोई आता नहीं है, खाली है, आप यहाँ बैठ जाओ. तो मेहुल ने मैथ लगाई थी कि भाई 40-50 जो पेट्रोल भराने आएंगे लोग, उसमें से एक सेलर होता है, राइट. दैट्स जस्ट हाउ द नंबर्स वर्क ऑफ द मैथ ऑफ कार सेलर. बेसिकली 10 में से एक बंदा एट एनी पॉइंट एक साल में कार बेचता है, राइट. 4 मिलियन गाड़ियां बिकती हैं, 40 मिलियन गाड़ियां हैं, तो 10 में से एक बेच रहा है साल भर में, तो महीने में 40 में से एक बेच रहा है. ये गट फीलिंग पे मैथ लगा, हाँ, ये एक सिंपल सा मैथ लगा लिया कि ये 40-50 लोगों से मिलेंगे तो एक तो सेलर मिलेगा. तो हम जब 200-250 लोगों से मिले तो सेलर मिलने लगे, और जो गाड़ी बेचने के मूड में होते हैं सरप्राइजिंगली उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, फोटोज ले लो, सब ले लो. वो फोटोज वगैरह लेके हमने व्हाट्सएप पे डालना शुरू किया और डीलर्स की तो बौछार लग गई, तुरंत प्राइस दे रहे हैं. वो बोल रहे भैया मैं, बोला आपने अच्छे से फोटोज ले ली है, मैंने गाड़ी देख ली, मुझे समझ में आ गई है, ये रहा प्राइस, आप बताओ गाड़ी कहाँ से उठानी है. तो ये बहुत स्ट्राइकिंग था, बिकॉज जनरली आप क्या सोचोगे, यूज कार डीलर है वो कब कहाँ गाड़ी ऑनलाइन खरीदेगा, आप क्यों खरीदेगा 2-2.5-3 लाख रुपए की चीज़ है. बट दे आर सो हंगरी फॉर कार्स कि भैया दे वर रेडी कि भैया आप मुझे बस गाड़ी बताओ और मैं तो ये फोटो देख के ही गाड़ी पे प्राइस देने के लिए रेडी हूँ, आप बताओ किसको पैसे कब ट्रांसफर करने हैं. मतलब डिमांड की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. डिमांड की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. सो दैट इज़ वॉट वी गॉट सुपर एक्साइटेड.
और उसके बाद फिर हमने उस पेट्रोल पंप पे, फिर हमने वहाँ पे एक लेडी जो मैनेज करती थी, हमने उनको बोला आंटी थोड़ी सी जगह हमें दे दो बैठने के लिए। उनका देखो ऑफिशियली तो नहीं दे सकती, मैं 2 महीने की समर हॉलीडेज़ पे जा रही हूँ, मैं नहीं हूँ, आप मेरा ये रूम यूज़ कर लो 2 महीने के लिए। तो हमको एक छोटा सा अपना रूम भी मिल गया वहाँ पे। वहाँ पे एक इवेलुएटर, एक बंदा और मेहुल, वो दिन भर बैठ के जो भी कस्टमर आते थे उनसे पूछते थे, वो गाड़ी चेक करते थे। मैंने मीनवाइल एक फेसबुक पेज बनाया और मेरे पास ऑफिस, हमने एक छोटी सी जगह ले ली, वहाँ पे हम 3-4 लोगों को, सेल्स वालों को बैठा के डीलर्स को कॉल करके व्हाट्सएप भेज भेज के कि सर अभी आपको व्हाट्सएप किया, ज़रा प्राइस बता दो, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल फॉर द कस्टमर। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। फिर धीरे धीरे हमने डीलर ऐप बनाई, आपने कहा भाई जो व्हाट्सएप पे कर रहे हैं उसके लिए ऐप भी बना सकते हैं। एंड दैट वॉज द पावर ऑफ बींग इन स्टेल्थ, जो मैं आपको बता रहा था कि जब हमने ऐप बनाई, आई कैन टेल यू फॉर ईयर्स नोबडी बिलीव्ड दैट एनी डीलर वुड एवर बी यूजिंग एनी काइंड ऑफ ऐप। जस्ट एब्सोल्युटली नो वन एवर बिलीव्ड इट। कहता कि कोई चांस ही नहीं है यार कि तुम बात कर रहे हो यूज का डीलर, वो जो बैठे रहते हैं वो एक ऐप यूज कर रहे हैं और ऐप पे गाड़ी खरीद रहे हैं बिना देखे, हो ही नहीं सकता है। सो हमारे बारे में जनरल परसेप्शन था कि यार कार्स 24 के पास 5-5, 6-6 महीने की इन्वेंट्री पड़ी होगी, राइट? ये सारी गाड़ियाँ तो ये लोग ऑफलाइन बेच रहे हैं, बहुत लोग लगा रखे हैं, पैसे तो बन ही नहीं रहे होंगे इनके सब पे करने पे, जस्ट नॉट यूनिट इकोनॉमिक्स वाइज फीजिबल ही नहीं है। बट द रियलिटी वॉज एग्जैक्टली ऑपोजिट। वी हैड 0 सेल्स टीम टू ऑन बोर्ड डीलर्स, एज आई सेड कि डिमांड तो प्रॉब्लम ही नहीं थी। एवरीथिंग वॉज हैपनिंग ऑनलाइन, राइट? देर वॉज नो फिजिकल व्यूइंग ऑफ द कार। गाड़ियाँ हम सेलर की गाड़ी, बेसिकली आज भी हम यही करते हैं, सेलर की गाड़ी आती है, हम इंस्पेक्शन करते हैं आपको, जैसे अगर गाड़ी बेचनी है हम इंस्पेक्शन करेंगे आपके घर आके, इंस्पेक्शन करके हमारी एक ऑक्शन ऐप है, हम उस पर उस गाड़ी के डिटेल्स अपलोड कर देते हैं, रियल टाइम में बिडिंग होती है और उस बिडिंग से जो भी फाइनल प्राइस आती है, जैसे 100 रुपये प्राइस आई, उस 100 में से हम अपना कट काट के 5 रुपये 10 रुपये व्हाटएवर इट इज़ हम बाकी सेलर को ऑफर कर देते हैं। अगर सेलर हाँ बोल देता है, हम अकाउंट में सेलर के पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, गाड़ी पिकअप करके डीलर को भिजवा देते हैं, तब तक डीलर हमको पैसे ट्रांसफर कर देता है। इट ऑल हैपेंस बैक टू बैक। क्या बात कर रहे हो, ऐसे एकदम वनिला बता रहे हो, बिल्कुल मैं मान नहीं रहा ये। सो वी हैव बिल्ट ऑनलाइन ऑक्शन हाउस ऑफ फॉर यूज्ड कार्स इन इंडिया। नाउ ऑनलाइन ऑक्शंस हैपेंस फॉर कार्स एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, बट कार इंडस्ट्री इन US इन यूरोप इज मच ओल्डर देन इन इंडिया, स्पेशली द यूज्ड कार इंडस्ट्री। सो इंडिया इज वन प्लेस जहाँ पे ऑफलाइन ये नहीं बना है, बट ऑनलाइन हमने बना दिया है। तो वही चीज जो वहाँ पे अब ऑफलाइन से ऑनलाइन माइग्रेट हो रही है, हमने इंडिया में वी वेंट ऑनलाइन डायरेक्टली ही, हमने ऑनलाइन फर्स्ट उसको बना दिया। वो बोलते ना कि इंडिया में बिकॉज हमारे पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इतनी इंडस्ट्रीज नहीं थी, इसकी वजह से इंडिया है ना 4 कदम डायरेक्ट आगे बढ़ता है। लीप्स, हम लोग लीप फ्रॉक करते हैं हर जगह पे, करेक्ट? हर जगह पे हम जंप ही मारते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते ही नहीं, करेक्ट? क्योंकि हमारे पास एक टेक्नोलॉजी नहीं आई, करेक्ट? कभी, जैसे फॉर एग्जांपल जो ब्रॉडबैंड, करेक्ट, एक टेक्नोलॉजी थी, राइट? तो इंटरनेट ब्रॉडबैंड कभी स्केल ही नहीं हुआ, तो डायरेक्ट ही फोन इंटरनेट बहुत स्केल हो गया, करेक्ट? और लैपटॉप्स फॉर दैट मैटर, राइट? हम सीधे मोबाइल फोन पे, सीधे मोबाइल फोन पे, लैपटॉप हमारे पेनिट्रेट ही नहीं हो पाया, कभी कुछ बना ही नहीं उस पे। तो सिमिलरली विद कार्स, कि हमारा ऑफलाइन ऑक्शन मार्केट ही नहीं था, करेक्ट? इसकी वजह से डायरेक्ट ही हम ऑनलाइन आके और ऑनलाइन पे बहुत ज्यादा बड़े बन गए, करेक्ट? करेक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, लेट्स ब्रेक इट डाउन। मेरे को आपने एकदम सिंपल बता दिया, ठीक है, बट साउंड वेरी फैसिनेटिंग एंड वेरी हार्ड टू बिलीव कि प्रॉब्लम डिमांड की है सार। कोई भी बिजनेसमैन से बात कर लो, किसी भी फाउंडर से बात कर लो, उनकी प्रॉब्लम डिमांड होती है, वो लोग बात ही नहीं करते हैं सप्लाई की, राइट? अंटिल अनलेस आप बहुत सीजनड प्लेयर से बात कर रहे हो, जैसे जो Tier 2, Tier 3 में जब आप जाते हो, करेक्ट? तो आप अगर सीजनड एंटरप्रेन्योर से बात कर रहे हो जो 25-30 साल से बिजनेस लेके बैठे, करेक्ट? उनकी प्रॉब्लम होती है यार बस आता ही नहीं है, माल ही नहीं आता, नहीं तो मैं कितना ही बेच दूं, करेक्ट? करेक्ट, बाकी सारे फाउंडर्स की प्रॉब्लम डिमांड नहीं है, करेक्ट? एंड दैट्स दे आर आल्सो राइट, बिकॉज़ What's very unique about my industry is कि सारी supply भी consumer से ही आती है। So usually एक business होता है B2B या B2C। Left side आप हमेशा B सुनते हो, right? Left side पे आप कभी C नहीं सुनते हो। हमारा उल्टा है, हमारा C2B या C2C होता है, right? So left right पे B हो सकता है which is a dealer, या right पे C हो सकता है which is a consumer, कि मैंने गाड़ी ली या तो डीलर को बेच दी या खुद ही कंज्यूमर को बेच दी, बट लेफ्ट हैंड 95% इज
कंज्यूमर, विच अगेन इज बाय द वे नॉट ट्रू इन मेनी अदर ज्योग्राफीज, क्योंकि बाहर क्या होता है, रेंटल कार्स होती हैं, टैक्सी और प्राइवेट कार में नेसेसरी डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है कि येलो प्लेट, वाइट प्लेट एक्सेट्रा. तो आपको और भी गाड़ियों के सोर्सेज होते हैं जो मिलते हैं. इंडिया में लीजिंग नहीं करते हैं गाड़ियों की, या फिर रेंटल कंपनीज इतनी पॉपुलर नहीं है. तो और फिर येलो कार को आप वाइट कार नहीं बना सकते, और वाइस वर्सा, राइट? इट्स प्रीटी प्रोहिबिटिव. एंड देन मेंटेनेंस इश्यूज होते हैं. तो प्रैक्टिकली सारी कार्स आपकी, और जब तक आप और मैं गाड़ी नहीं बेचेंगे तब तक सप्लाई ही नहीं बनेगी. सो आपको पहले सी सप्लाई साइड सॉल्व करने के लिए ही आपको एक कंज्यूमर बिजनेस, व्हिच इज सो काउंटर इंट्यूटिव टू थिंक अबाउट. उल्टा है, बहुत उल्टा है, बहुत उल्टा है कि सप्लाई के लिए भी आपको कंज्यूमर के पास जाना है. सप्लाई के लिए आप हमेशा जो आप कह रहे हो कि आप बिजनेस सोचते हो कि भाई एक कोई मैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराऊंगा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाऊंगा, डीलर के पास जाऊंगा, ओई के पास जाऊंगा, बट यू डोंट थिंक यार अच्छा सप्लाई के लिए भी कंज्यूमर के पास ही जाना है. सो इट्स वेरी यूनिक, एंड आई थिंक वो सर्कुलर रीसाइकल्ड गुड्स के लिए दिस इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, बिकॉज़ यू आर नॉट अ न्यू गुड बिजनेस, यू आर अ रीसाइकल्ड और अ यूज्ड गुड बिजनेस. दिस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज राजशमानी क्लिप्स ऐसी ऐसी क्लिप्स लाएगा पॉडकास्ट पे से जो शायद पॉडकास्ट पे भी नहीं होती. एक्सक्लूसिव अनकट अनफिल्टर्ड कॉन्टेंट जो आपको एक बेटर लीडर बनने में हेल्प करेगा, जो आपको इंडिया में स्मार्ट इंसान बनने की हेल्प करेगा, एंड जो आपको हेल्प करेगा कि आप आपका इन्फ्लुएंस, ग्रोथ, प्रॉफिट, बिजनेस एंड इंडिविजुअल पर्सनालिटी को कैसे ग्रो करें. इन सब चीजों को बढ़ाने के लिए, इन सब चीजों में एक्सेल करने के लिए इस चैनल को